दोस्तों आप 90 के दशक से मशहूर हुए अभिनेता गोविंदा के बारे में तो सबको जानते ही होंगे, जिनके एक्टिंग के साथ इनके हैंडसम लुक के भी दर्शक इतने ज्यादा दीवाने हो गए थे कि इनकी एक भी फिल्म को कभी मिस नहीं करते थे। तो वहीं लड़कियां भी इनकी इतनी ज्यादा दीवानी हो गई थी कि इनसे शादी करने तक के सपने सजवाती थी और इनको एक नज़र देखने के लिए तड़प जाती थी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, जहां आम लड़कियां इनकी इतनी ज्यादा दीवानी थी, तो वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी अभिनेत्रियां भी है जिन्होंने गोविंदा को पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। जी हाँ, और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे जो हो चुकी थी गोविंदा के प्यार में दीवानी। तो आइए जानते हैं अभिनेत्रियों के बारे में, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर एक, ममता कुलकर्णी। नसीब और किस्मत जैसी सुपरहिट फिल्मों में गोविंदा के साथ नजर आई अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम इस लिस्ट में नंबर 10 पर शुमार है। चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री के टैलेंटेड और हैंडसम अभिनेता गोविंदा के प्यार में इतनी दीवानी थी कि ये उन्हें पाने के लिए डायरेक्टर से भी कम पैसे चार्ज करने लगी और यहाँ तक कि वो अपने हिस्से के पैसे गोविंदा के नाम करने तक को तैयार हो गई थी। लेकिन ममता कुलकर्णी के इतने सब करने के बावजूद भी गोविंदा ने इन्हें कभी नहीं अपनाया। नंबर 9, तब्बू। बंदा ये बिंदास है और साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों में गोविंदा के साथ काम करने वाली अभिनेत्री तब्बू का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है, जो गोविंदा के साथ फिल्म करते करते उनकी इतनी दीवानी हो गई थी कि उन्होंने फिल्म आमदनी अठन्नी खर्च रुपया की शूटिंग के दौरान ये सबके सामने गोविंदा को प्रपोज कर दिया था, लेकिन गोविंदा ने इन्हें सबके सामने इनकार कर दिया। नंबर 8, किमी काटकर। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा किमी काटकर के बारे में, जो गोविंदा के प्यार में फिल्म गैर कानूनी में गिरफ्तार हो गई थी, जो अभिनेता ने इनका ख्याल नहीं रखा बल्कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी किया था और ये भी गोविंदा के बगैर एक पल नहीं रह पाती थी, जिसके चलते इन्होंने गोविंदा के मुँह पर उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन गोविंदा ने इनका ये ऑफर ठुकरा दिया। नंबर 7, सोनाली बेंद्रे। नंबर 7 पर नाम शुमार होता है फिल्म जिस देश में गंगा रहता है में गोविंदा और सोनाली बेंद्रे की केमिस्ट्री दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। वहीं दूसरी तरफ रियल लाइफ में सोनाली बेंद्रे इनके प्यार में पागल हो गई थी कि उन्हें पाने के लिए अपने करियर को तक छोड़ने को रेडी थी, और लेकिन गोविंदा ने कभी भी इन्हें बुरी नज़र से नहीं देखा। नंबर 6, फरहनाज। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा की बात करें तो फरहनाज का नाम जरूर आता है, जिन्होंने फिल्म गुंडे की कहानी में गोविंदा के साथ काफ़ी अच्छी जोड़ी जमाई थी और उनके साथ फिल्में करते करते उन्हें इतनी ज़्यादा वो पसंद करने लगी कि उन्हें पाने के लिए अपने पति और बच्चों तक को छोड़ने के लिए रेडी हो गई, लेकिन गोविंदा ने इनके प्यार को समझा नहीं और उन्होंने इनको अपने से जुदा कर दिया। नंबर 5, कैटरीना कैफ। बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री कैट भी एक समय पर गोविंदा के प्यार में इतनी ज़्यादा दीवानी हो गई थी कि गोविंदा के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी, क्योंकि जब इन्होंने गोविंदा के साथ पार्टनर फिल्मों में काम किया तो गोविंदा ने इन्हें बहुत खुश रखा था, जिसके चलते गोविंदा से शादी करना चाहती थी। यहाँ तक कि इन्होंने उन्हें शादी के लिए प्रपोज तक कर दिया था, लेकिन गोविंदा ने उन्हें शादी करने से साफ इनकार कर दिया। नंबर 4, करिश्मा कपूर। फिल्म राजा बाबू और हीरो नंबर 1 जैसी फिल्मों में गोविंदा के साथ काम करने वाली करिश्मा कपूर भी उनके पीछे इतनी ज्यादा पगला गई थी कि उन्होंने उनको पाने के लिए नई फिल्मों के ऑफर ठुकराना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गोविंदा के साथ ही काम करना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने डायरेक्टर से भी खूब लड़ाई की और उन्हें भला बुरा सुनाया। नंबर 3, रवीना टंडन। हमेशा से ही गोविंदा के साथ पसंद की गई जोड़ी रवीना टंडन की थी, जो शुरू से ही गोविंदा को बेहद पसंद करती थी और उन्हें पाने के लिए अपना घर बार प्रॉपर्टी जायदाद सब कुछ नीलाम करने को तैयार थी, लेकिन गोविंदा ने उनके प्यार को नहीं समझा, जिसके चलते वो संभल गई। नंबर 2, रानी मुखर्जी। जी हाँ, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रानी मुखर्जी भी गोविंदा को पसंद करती थी, जिनके साथ इन्होंने हद कर दिया अपने और चलो इश्क लड़ाई जैसी फिल्मों में काम किया है, जिसके चलते इन्हें गोविंदा के साथ रहकर उनसे प्यार हो गया। यहाँ तक कि इनके लिए ये इनकी फैमिली तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गई और गोविंदा ने इनके भी प्यार को ठुकरा दिया। नंबर 1, नीलम कोठारी। इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम शुमार होता है अपनी खूबसूरती और मासूमियत से सभी को दीवाना करने वाली अभिनेत्री नीलम कोठारी का, जो कि गोविंदा को पाने के लिए सारी हदें पार करती नजर आई और इन्होंने गोविंदा को पाने के लिए अपनी फैमिली को भी रिजेक्ट कर दिया। जहाँ अपनी फैमिली ने लिए लड़का पसंद किया था तो इन्होंने उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया था, बावजूद इसके गोविंदा ने इनके प्यार को नहीं समझा। वेल दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।